भारत का सबसे पुनीत पवित्र धाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू धाम की, जहाँ के रहस्य के बारे में आज तक कोई सटीकता से नहीं बता पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा श्याम के मंदिर के पास में स्थित श्याम कुंड की। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ श्याम कुंड के रहस्य और चमत्कारी बातों को। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, श्याम बाबा का पवित्र धाम खाटू धाम मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर माना गया है। तो दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले श्याम कुंड के प्रवेश द्वार के अंदर की ओर और आपको सभी जानकारी देते हैं बाबा श्याम के कुंड के रहस्य के बारे में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ ये जो कुंड है ये असली कुंड है ही नहीं। जी हाँ, तो चलिए बताते हैं आपको वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, श्याम कुंड को बारबरी कुंड नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यही वह पवित्र स्थान है जहाँ पर श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था खुदाई के दौरान। दोस्तों, यह श्याम कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुए है। आखिर क्या है श्याम कुंड की मान्यताएं? दोस्तों, कहा जाता है श्याम कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और अगर भक्त सच्चे मन से और निश्चल मन से स्नान कर लेता है तो एक नए शरीर की प्राप्ति होती है। और अगर कोई भक्त बीमार रहता हो ज्यादा समय से तो वो भी अगर इस अमृत जैसे जल में स्नान या तन को शुद्ध कर ले तो उसे सभी बलाओं से छुटकारा मिल जाता है। और अगर कोई स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबे समय से ना हुई हो तो अगर वो स्त्री भी इस श्याम कुंड में स्नान कर ले तो उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जैसे बाबा श्याम को हारे के सहारे कहा जाता है और तोरण द्वार को बैकुंठ का द्वारा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस कुंड के जल को अमृत समान भी माना जाता है। दोस्तों, श्याम कुंड के जल को अमृत समान कहा ही नहीं बल्कि यह असल में ही हम सभी भक्तों के लिए अमृत समान है। दोस्तों, इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और शरीर को पुण्य की प्राप्ति होती है और हम सभी भक्तों को। अगर आप भी आने वाले समय में बाबा श्याम के दर्शन करने खाटू श्याम जा रहे हैं तो आप अवश्य जाइएगा श्याम कुंड में स्नान करने के लिए। और दोस्तों, आपको बता दें, आपको हमारे चैनल पे अगर आप आज तक श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं गए हैं और किस प्रकार आपको जाना है तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पर जाके भी आप देख सकते हो फुल वीडियो, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि यह श्याम कुंड असली नहीं है, मतलब कि इस कुंड को दोबारा से बनाया गया है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं प्राचीन श्याम कुंड के पास में। दोस्तों, जो नया श्याम कुंड है वो इसलिए बनाया गया था कि श्याम बाबा के बढ़ते प्रकोप दुनिया भर और देश भर में, तो उसी की वजह से वो नया श्याम कुंड का निर्माण किया गया था। अब आपको ले चलते हैं प्राचीन श्याम कुंड की ओर। दोस्तों, यहाँ पे बाहर की ओर आपको बाबा श्याम और बजरंगबली महाराज का और चिंताहरणी गायत्री मंदिर बहुत ही सुंदर और सुशील बना हुआ है। तो बढ़ते हैं प्राचीन श्याम कुंड की ओर और आपको भी दर्शन कराते हैं प्राचीन श्याम कुंड के। इससे पहले एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिएगा, बोलिए जय श्री श्याम। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो यही है प्राचीन श्याम कुंड जहाँ पे रियल में बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था खुदाई के दौरान। दोस्तों, आप श्याम कुंड में जैसे ही प्रवेश करोगे आपको यहाँ पे बाबा श्याम के चारों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर जयकारे देखने को लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि श्याम प्यारे की जय हो, लखदा तार की जय हो, बोले श्री श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, यही है प्राचीन श्याम कुंड जहाँ से भक्त जन अपने घर यहाँ का पवित्र जल ले जाते हैं, जो कि जल एक अमृत के समान है। दोस्तों, इस पवित्र जल का सेवन अगर कोई भक्त के घर में या फिर आसपास में व्यक्ति काफी समय से परेशान है तो उसको इस पवित्र जल का सेवन कराते हैं। दोस्तों, प्राचीन श्याम कुंड के पास में आपको बजरंगबली महाराज का एक बहुत ही सुंदर रूप में जहाँ पे बालाजी महाराज विराजमान है आप मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो और भी सभी पवित्र मंदिर के जो कि पास में बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें बाबा श्याम के मंदिर के पास में मेन मार्केट में एक ऐसा चमत्कारी पेड़ है जहाँ पे अगर आप सच्चे मन से
कलावा या फिर धागा बांधते हो तो आपकी सभी मनोकामना और इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप भी सभी श्याम प्रेमी की तरह पहली बार श्याम बाबा को निशान चढ़ाना चाहते हो, अगर नहीं पता कि किस प्रकार निशान चढ़ाया जाता है और किन बातों का आवश्यक ध्यान रखा जाता है निशान उठाते समय, तो दोस्तों उसकी भी फुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और भी जो भी बाबा श्याम के मंदिर के रिलेटेड वीडियो हैं वो भी आप जाके डायरेक्टली हमारे चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा और उन तक अवश्य शेयर करिएगा जो कि आपको लगता है कि उनके लिए लाभदायक होने वाली है यह वीडियो। तो दोस्तों एक बार फिर से बोलिएगा मेरे साथ जय श्री श्याम, बोलिए राधा रानी की जय हो।